हेलो दोस्तों, सभी के मन में एक ही सवाल कि आखिर इस फोटो को लेने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है। दोस्तों, इस लड़के को चार अलग अलग एंगल्स पर खड़े रखकर फोटो ली गई हुई है और बाद में उन चारों फोटो को फोटोशॉप में मर्ज करके एक सिंगल फोटो बनाया गया है। दोस्तों याद रखिए, दोस्तों इस फोटोशूट के दौरान आपका कैमरा एक ट्राइपॉड पर माउंट किया गया होना चाहिए, क्योंकि हर एक फोटो में आपको बैकग्राउंड सिमिलर रखना होगा और हर एक फोटो में एक्सपोजर बिल्कुल सेम रखना होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल के सारे वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपके लिए उतने ही फायदेमंद साबित हो सके। तो चलिए जानते हैं इन फोटोज को फोटोशॉप में मर्ज करने का तरीका। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, बस केवल थोड़े से सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और पिक्चर आपके सामने तैयार। सबसे पहले आपको सारे फोटोज फोटोशॉप में ओपन करने हैं और फिर फर्स्ट फोटो को आपको बेस फोटो रखना है और दूसरे पिक्चर से आपको सिलेक्शन करने का स्टार्ट कर देना है दोस्तों, जैसे कि आप ये पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, हर एक फोटोज के कोई भी तीन कॉर्नर सिलेक्शन में आने चाहिए दोस्तों, तो आपको मर्जिंग में बहुत आसानी रहेगी, वरना बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। तो दोस्तों पहले फोटो का आपने बेस फोटो रखा हुआ है और अब सेकंड फोटो में सिलेक्शन करने के बाद आपको कॉपी करना है उस सिलेक्शन को, कंट्रोल सी करके फर्स्ट फोटो में आकर कंट्रोल वी करना है, मतलब पेस्ट करना है उस सिलेक्शन को। अब दोस्तों इरेज टूल से अनवांटेड फोटो के पार्ट को इरेज करते जाइए। दोस्तों ध्यान रखेगा कि इरेज करते वक्त बॉडी का कोई भी पोर्शन इरेज ना हो जाए। अब आप फोटो नंबर 2 को क्लोज कर दीजिए और फोटो नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पर भी सेम फोटो नंबर 1 और 2 के जैसा फोटो नंबर 3 में भी आप इसे सिलेक्शन कीजिए और फोटो नंबर 1 और 2 के जैसे तीन कॉर्नर सिलेक्शन में आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उस पोर्शन को कॉपी करके फोटो नंबर 1 पे आकर बेस फोटो में इस सिलेक्शन पोर्शन को पेस्ट कीजिए। और फिर से फोटो नंबर 1 में अनवांटेड पोर्शन को इरेज कर दीजिए। और फिर फोटो नंबर 3 को क्लोज कर दीजिए और फिर अब आते हैं लास्ट फोटो में। दोस्तों फोटो का सिलेक्शन कॉपी करके फोटो नंबर 1 में आकर उसे पेस्ट कीजिए और पहले की तरह अनवांटेड पोर्शन को इरेज कर दीजिए। याद रखिएगा, बॉडी का कोई भी पोर्शन इरेज ना हो और हर फोटो की ब्राइटनेस सेम होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ फोटोशॉप के राइट साइड में जो चार लेयर्स दिख रहे हैं उसे मर्ज करके उसे एक सिंगल लेयर बना दीजिए, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स वाले फोटोज जेपीजी में सेव नहीं हो पाएंगे दोस्तों। बस तो दोस्तों फाइनल फोटो तैयार है आपके सामने। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल के सारे वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं दोस्तों, तो इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपके लिए उतने ही फायदेमंद साबित हो सके।